अभी आपको चीन की बौखलाहट भरी खबर दिखानी है। जी हाँ, डोकलाम में भारतीय सेना के आक्रामक रुख से चीन कैसे बौखलाया है आपको अभी पता चल जाएगा। चीन ने एक बार फिर से भारत को धमकी दी है और अब वो यहाँ से नहीं वाया पाकिस्तान से आने की बात कर रहा है। चीन के एक थिंक टैंक ने ये कहा है कि जिस तर्क से भारत डोकलाम में चीन को सड़क बनाने से रोक रहा है, उसी तर्क से कोई तीसरा देश भी कश्मीर में घुस सकता है। चीन ने कहा कि वो पाकिस्तान की ओर से कश्मीर में घुस सकता है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में चाइना वेस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंडियन स्टडीज के निदेशक है लॉन्ग शिंगचुन, उन्होंने लिखा है कि भारत अगर विवादित क्षेत्र के लिए भूटान की मदद कर सकता है तो पाकिस्तान की मदद के लिए कश्मीर में भी तीसरे देश की सेना घुस सकती है। दूसरी ओर डोकलाम विवाद में चीन को कड़ा संदेश देते हुए भारत ने विवादित इलाके में डेरा डाल दिया है। इससे पहले चीन ने डोकलाम से भारत से सेना पीछे हटाने पर ही बातचीत की शर्त रखी थी। आप याद कीजिए G20 सम्मेलन में जब हैम्बर्ग में जर्मनी में मुलाकात होनी थी 20 राष्ट्रीय अध्यक्षों की आपस में, कई फॉर्मल कई इनफॉर्मल तरीके से, लेकिन उसमें भी चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि साहब देखिए अभी माहौल ठीक नहीं है, इसीलिए दो राष्ट्रीय अध्यक्ष आपस में बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन यही कूटनीति का स्ट्रोक या मास्टर स्ट्रोक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां तस्वीरों के जरिए दिखा दिया, जहां पर उन्होंने मुस्कुराकर शी जिनपिंग का अभिनंदन किया था। बरहाल जो थिंक टैंक है चीन का चाइना वेस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी, उसमें सेंटर फॉर इंडियन स्टडीज के निदेशक लॉन्ग शिंगचुंग ने क्या लिखा है अब वो आपको बता दूं। अगर भारत भूटान की सीमा की रक्षा करता है तो ऐसा सिर्फ स्थापित क्षेत्र में ही हो, विवादित क्षेत्र में नहीं। भारत को विवादित इलाके में दखल नहीं देना चाहिए, वो सिर्फ अपने क्षेत्र की बात करे, वरना इसी तर्क के आधार पर पाकिस्तानी सरकार के आग्रह पर एक तीसरा देश या एक तीसरे देश की सेना भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र में भी प्रवेश कर सकती है। भारतीय सेना ने भूटान की मदद के नाम पर डोकलाम इलाके में घुसपैठ की है, ये बकौल उस थिंक टैंक के मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन वास्तविकता ये है कि भारत ने भूटान के नाम पर अपनी ही मदद की है। भूटान में हम रक्षा करने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनकी जो आपसी हिंदुस्तान और भूटान के बीच में जो संधि है उसके अनुसार हमारा दायित्व है। ये कोई तीसरे देश का मामला नहीं है, बल्कि दो देश जिनके बीच में आपसी संधि है उसका सवाल है। और चीन इस तरह से अनावश्यक रूप से बहानेबाजी ना ढूंढे। चीन की तरफ से तो ये भी धमकी आ गई है कि हमने जिस तरह 1962 में किया था, हम दोबारा आप पर हमला कर सकते हैं। तो इस सूरत में परिस्थिति बड़ी नाजुक बनी हुई है। हमें चाहिए कि एक तरफ हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ अगर चाइना ने भी अपना खोल दिया रास्ता हमारी तरफ तो हमारे लिए बड़ी कठिनाई होगी। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और स्वाभाविक रूप से इसमें किसी दूसरे को, पाकिस्तान को या पाकिस्तान के कहने पर किसी को आने का कोई अधिकार नहीं। इतिहास साक्षी है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कुछ कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान ने अपने कब्जे में रखा हुआ है जिसको हम लेने का प्रयास कर रहे हैं और आज न कल वो हिस्सा भी भारत का अभिन्न अंग बनेगा। और इस पर थोड़ा डिटेल में पर्सपेक्टिव समझने के लिए हमारे साथ कृष्णमोहन मिश्रा जुड़ गए हैं न्यूज रूम से, जरा उनका रुख करते हैं। कृष्णमोहन, ये थिंक टैंक है, इसकी तरफ से एक तर्क दिया गया है, ये कितना सीरियसली लिया जाना चाहिए क्योंकि सरकार की तरफ से नहीं आ रहा है, या फिर ये कहे कि नहीं ये तो चीन की सरकार का थिंक टैंक है? रूबिका, सबसे पहले तो इस समय जो पिछले लगभग 3 हफ्ते हो चुके हैं जो स्टैंड ऑफ चल रहा है उसको लेकर चाइनीज़ मीडिया, हालांकि इसको चाइनीज़ मीडिया दरअसल सरकार की आवाज़ होती है, चीन में कोई फ्री प्रेस जैसी चीज़ नहीं होती है, तो ग्लोबल टाइम्स एक तरह से सरकार का मुखपत्र होता है। तो चीन अब मीडिया के सहारे हर रोज़ एक नया सॉल्वो, एक नई मिसाइल फायर करता है। अब इस जो थिंक टैंक है उसकी बातों पर आते हैं, उसने कश्मीर का जिक्र किया, पर कश्मीर का जिक्र करते समय वो ये भूल गया कि 1947 में जब कश्मीर भारत में शामिल हुआ था उस समय देश की 565
प्रिंसली स्टेट्स रियासतों के सामने ये ऑप्शन रखा गया था कि आप या तो भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में या इंडिपेंडेंट रहें, और कश्मीर ने भारत में शामिल होने पर सिग्नेचर किए थे 25 अक्टूबर 1947 को। यानी भारत में कश्मीर का विलय हो चुका है, भारत उसका आधिकारिक, भारत उसका कानूनी रूप से कश्मीर भारत का हिस्सा है। अब कश्मीर में के दो हिस्से की बात जो चीन ने उठाई, चीन ये भी भूल गया कि दरअसल उस हिस्से में जिसको पीओके कहते हैं पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, और जम्मू कश्मीर के 36,000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन का भी अवैध कब्जा है। इसमें 5,000 स्क्वायर किलोमीटर वो इलाका है जो चीन को तोहफे में 1963 में पाकिस्तान ने दिया था, शख्सगम वैली का इलाका। पाकिस्तान ने जिस हिस्से पर अवैध कब्जा कर रखा है वहाँ पर चीन सड़क बना रहा है, खुंजरा दर्रे से होकर उसने वहाँ से रेल लाइन उतारी है जो रावलपिंडी में हवेलियाँ तक आती है, वहाँ पर उसने ग्रेट काराकोरम हाईवे बनाया है। यानी पहले ही वो भारत की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। इस थिंक टैंक का जो ये आर्टिकल है उसमें एक और बड़ी दिलचस्प बात है, उसने सिक्किम का मुद्दा उठाया है, फिर भी वो एक बात भूल जाता है कि 1975 में सिक्किम का भारत में विलय हुआ था एक पॉपुलर वोटिंग के आधार पर। वहाँ पर एक जन आंदोलन चला था और उस जन आंदोलन के जो मुखिया थे, लीडरान थे, उन्होंने भारत में सिक्किम का विलय करवाया था और चीन ने खुद 2003 में सिक्किम को भारत का हिस्सा माना था। अब ये सारी चीज़ें, ये थिंक टैंक जो कि तथाकथित तौर पर भारत संबंधी रिसर्च करता है, वो इतनी बेसिक जो ऐतिहासिक पॉइंट्स हैं, ऐतिहासिक तथ्य हैं जिनको कि एक 8वीं या 10वीं में पढ़ने वाला लड़का भी जानता है अगर वो भारत का इतिहास पढ़े, उसको भी बड़ी कन्वीनियंटली चीन भुलाता जा रहा है। चीन की दरअसल ये एक आदत है, एक उसका तरीका है, उसकी स्ट्रेटेजिक जो काम करने का तरीका है उसका ये एक अटूट हिस्सा है कि ज़मीन पर कब्जा करो, इतिहास को अपने हिसाब से तोड़ो मरोड़ो, ऐतिहासिक तथ्य जो हैं उनको जो आपके लिए कन्वीनियंट हो उन्हें आप स्वीकार करें, जो कन्वीनियंट नहीं उन्हें भूल जाएं, और साथ ही दूसरी संधियों, दूसरे कानूनों को भी अपने हिसाब से तोड़ो मरोड़ो। तो चीन का जो ये मीडिया वॉर है, चीन की जो सेनाएं हैं वो तो भारत के साथ, भारतीय सैनिकों के साथ आमने सामने हैं ही, चीन का जो ये मीडिया वॉर है वो हर रोज एक नया सॉल्वो, एक नया बराज, एक नई मिसाइल फायर करता है भारत की। ऋषिमोहन बहुत बहुत शुक्रिया इसको बहुत डिटेल में इस पर्सपेक्टिव को हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। और जो बात आप कह रहे थे कि बाकी ये चीन का पुराना तरीका है और वो संजू के लिखी चीजों पर चलता है, वो मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट जो ये कहते हैं कि साहब जो है वो कतई मत दिखाओ और जो नहीं है बस वही दिखाओ, यही तरीका चीन अपनाने की कोशिश करता है। और अब देखिए मीडिया के जरिए मिसाइल दागने की कोशिश कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ बौखलाहट। और मत भूलिए अभी जापान, अमेरिका और भारत का युद्ध अभ्यास चल रहा है जिसे चीन बिल्कुल नापसंद करता है, का प्रयास कर रहे हैं, और आज न कल वो हिस्सा भी भारत का अभिन्न अंग बनेगा। और इस पर थोड़ा डिटेल में पर्सपेक्टिव समझने के लिए हमारे साथ कृष्णमोहन मिश्रा जुड़ गए हैं न्यूज़ रूम से, ज़रा उनका रुख करते हैं। कृष्णमोहन, ये थिंक टैंक है, इसकी तरफ से एक तर्क दिया गया है, ये कितना सीरियसली लिया जाना चाहिए क्योंकि सरकार की तरफ से नहीं आ रहा है, या फिर ये कहे कि नहीं ये तो चीन की सरकार का थिंक टैंक है? रूबिका, सबसे पहले तो इस समय जो पिछले लगभग 3 हफ्ते हो चुके हैं जो स्टैंड ऑफ चल रहा है उसको लेकर चाइनीज़ मीडिया, हालांकि इसको चाइनीज़ मीडिया दरअसल सरकार की आवाज़ होती है, चीन में कोई फ्री प्रेस जैसी चीज़ नहीं होती है, तो ग्लोबल टाइम्स एक तरह से सरकार का मुखपत्र होता है। तो चीन अब मीडिया के सहारे हर रोज़ एक नया सॉल्वो, एक नई मिसाइल फायर करता है। अब इस जो थिंक टैंक है उसकी बातों पर आते हैं, उसने कश्मीर का जिक्र किया, पर कश्मीर का जिक्र करते समय वो ये भूल गया कि 1947 में जब कश्मीर भारत में शामिल हुआ था उस समय देश की 565 प्रिंसली स्टेट्स रियासतों के सामने ये ऑप्शन रखा गया था कि आप या तो भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में या इंडिपेंडेंट रहें, और कश्मीर ने भारत में शामिल होने पर सिग्नेचर किए थे 25 अक्टूबर 1947। वास्तविकता ये है कि भारत ने भूटान के नाम पर अपनी ही मदद की है। भूटान में हम रक्षा करने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनकी जो आपसी हिंदुस्तान और भूटान के बीच में जो संधि है उसके अनुसार हमारा दायित्व है। ये कोई तीसरे देश का मामला नहीं है बल्कि दो देश जिनके बीच में आपसी संधि है उसका सवाल है। और चीन इस तरह से अनावश्यक रूप से
बहानेबाजी ना ढूंढें। चीन की तरफ से तो ये भी धमकी आ गई है कि हमने जिस तरह 1962 में किया था हम दोबारा आप पर हमला कर सकते हैं, तो इस सूरत में परिस्थिति बड़ी नाजुक बनी हुई है। हमें चाहिए कि एक तरफ हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ अगर चाइना ने भी अपना खोल दिया रास्ता हमारी तरफ तो हमारे लिए बड़ी कठिनाई होगी। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और स्वाभाविक रूप से इसमें किसी दूसरे को, पाकिस्तान को या पाकिस्तान के कहने पर किसी को आने का कोई अधिकार नहीं। इतिहास साक्षी है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कुछ कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान ने अपने कब्जे में रखा हुआ है जिसको हम लेने, इसको यानी भारत में कश्मीर का विलय हो चुका है। भारत उसका आधिकारिक, भारत उसका कानूनी रूप से कश्मीर भारत का हिस्सा है। अब कश्मीर में के दो हिस्से की बात जो चीन ने उठाई, चीन ये भी भूल गया कि दरअसल उस हिस्से में जिसको पीओके कहते हैं पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, और जम्मू कश्मीर के 36,000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन का भी अवैध कब्जा है। इसमें 5,000 स्क्वायर किलोमीटर वो इलाका है जो चीन को तोहफे में 1963 में पाकिस्तान ने दिया था, शख्सगम वैली का इलाका। पाकिस्तान ने जिस हिस्से पर अवैध कब्जा कर रखा है वहां पर चीन सड़क बना रहा है, खुंजराब दर्रे से होकर उसने वहां से रेल लाइन उतारी है जो रावलपिंडी में हवेलियां तक आती है, वहां पर उसने ग्रेट काराकोरम हाईवे बनाया है। यानी पहले ही वो भारत की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। इस थिंक टैंक का जो ये आर्टिकल है उसमें एक और बड़ी दिलचस्प बात है, उसने सिक्किम का मुद्दा उठाया है, फिर भी वो एक बात भूल जाता है कि 1975 में सिक्किम का भारत में विलय हुआ था एक पॉपुलर वोटिंग के आधार पर। वहां पर एक जन आंदोलन चला था और उस जन आंदोलन के जो मुखिया थे, लीडरान थे, उन्होंने भारत में सिक्किम का विलय करवाया था और चीन ने खुद 2003 में सिक्किम को भारत का हिस्सा माना था। अब ये सारी चीज़ें, ये थिंक टैंक जो कि तथाकथित तौर पर भारत संबंधी रिसर्च करता है, वो इतनी बेसिक जो ऐतिहासिक। अभी आपको चीन की बौखलाहट भरी खबर दिखा रही है। जी हाँ, डोकलाम में भारतीय सेना के आक्रामक रुख से चीन कैसे बौखलाया है आपको अभी पता चल जाएगा। चीन ने एक बार फिर से भारत को धमकी दी है और अब वो यहाँ से नहीं वाया पाकिस्तान से आने की बात कर रहा है। चीन के एक थिंक टैंक ने ये कहा है कि जिस तर्क से भारत डोकलाम में चीन को सड़क बनाने से रोक रहा है, उसी तर्क से कोई तीसरा देश भी कश्मीर में घुस सकता है। चीन ने कहा कि वो पाकिस्तान की ओर से कश्मीर में घुस सकता है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में चाइना वेस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंडियन स्टडीज के निदेशक है लॉन्ग शिंगचुन, उन्होंने लिखा है कि भारत अगर विवादित क्षेत्र के लिए भूटान की मदद कर सकता है तो पाकिस्तान की मदद के लिए कश्मीर में भी तीसरे देश की सेना घुस सकती है। दूसरी ओर डोकलाम विवाद में चीन को कड़ा संदेश देते हुए भारत ने विवादित इलाके में डेरा डाल लिया है। इससे पहले चीन ने डोकलाम से भारत से सेना पीछे हटाने पर ही बातचीत की शर्त रखी थी। आप याद कीजिए G20 सम्मेलन में जब हैम्बर्ग में जर्मनी में मुलाकात होनी थी 20 राष्ट्रीय अध्यक्षों की आपस में, कई फॉर्मल कई इनफॉर्मल तरीके से, लेकिन उसमें भी चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि साहब देखिए अभी माहौल ठीक नहीं है, इसीलिए दो राष्ट्रीय अध्यक्ष आपस में बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन यही कूटनीति का स्ट्रोक या मास्टर स्ट्रोक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां तस्वीरों के जरिए दिखा दिया, जहां पर उन्होंने मुस्कुराकर शी जिनपिंग का अभिनंदन किया था। बहरहाल जो थिंक टैंक है चीन का, चाइना वेस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी, उसमें सेंटर फॉर इंडियन स्टडीज के निदेशक लॉन्ग शिंगचुंग ने क्या लिखा है अब वो आपको बता दें। अगर भारत भूटान की सीमा की रक्षा करता है तो ऐसा सिर्फ स्थापित क्षेत्र में ही हो, विवादित क्षेत्र में नहीं। भारत को विवादित इलाके में दखल नहीं देना चाहिए, वो सिर्फ अपने क्षेत्र की बात करें, वरना इसी तर्क के आधार पर पाकिस्तानी सरकार के आग्रह पर एक तीसरा देश या एक तीसरे देश की सेना भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र में भी प्रवेश कर सकती है। भारतीय सेना ने भूटान की मदद के नाम पर डोकलाम इलाके में घुसपैठ की है, ये बकौल उस थिंक टैंक के मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन चाइना वेस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंडियन स्टडीज के निदेशक है लॉन्ग शिंगचुन, उन्होंने लिखा है कि भारत अगर विवादित क्षेत्र के लिए भूटान की मदद कर सकता है तो पाकिस्तान की मदद के लिए कश्मीर में भी तीसरे देश की सेना घुस सकती है।
दूसरी ओर डोकलाम विवाद में चीन को कड़ा संदेश देते हुए भारत ने विवादित इलाके में डेरा डाल लिया है। इससे पहले चीन ने डोकलाम से भारत से सेना पीछे हटाने पर ही बातचीत की शर्त रखी थी। आप याद कीजिए G20 सम्मेलन में जब हैमबर्ग में जर्मनी में मुलाकात होनी थी 20 राष्ट्रीय अध्यक्षों की आपस में, कई फॉर्मल कई इनफॉर्मल तरीके से, लेकिन उसमें भी चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से ही कहा गया। अभी आपको चीन की बौखलाहट भरी खबर दिखानी है। जी हाँ, डोकलाम में भारतीय सेना के आक्रामक रुख से चीन कैसे बौखलाया है आपको अभी पता चल जाएगा। चीन ने एक बार फिर से भारत को धमकी दी है और अब वो यहाँ से नहीं वाया पाकिस्तान से आने की बात कर रहा है। चीन के एक थिंक टैंक ने ये कहा है कि जिस तर्क से भारत डोकलाम में चीन को सड़क बनाने से रोक रहा है, उसी तर्क से कोई तीसरा देश भी कश्मीर में घुस सकता है। चीन ने कहा कि वो पाकिस्तान की ओर से कश्मीर में घुस सकता है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में